अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इरम्स बरकत किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, आज हम आपको वेज कोफ्ता करी की रेसिपी बताने जा रहे हैं। चलें तो हम वेज कोफ्ता करी बनाना शुरू करते हैं। करी बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये हमने 2 टेबलस्पून ग्राम फ्लोर बेसन लिया है, ये 100 ग्राम हमने सोया चंक्स लिए, उनको हमने पानी में भिगो दिया था और फिर मिक्सी के जार में हल्का सा इन्हें क्रश कर दिया है। 1 पोटैटो लिया है, ये हमने बॉईल हुआ हुआ है। और मसालों में हमें चाहिए 1 मीडियम साइज की हमने अनियन ली है, प्याज उसे बारीक चॉप्ड किया हुआ है, ग्रीन कोरिएंडर लिया है, ये 4 से 5 हरी मिर्च लिए हैं हमने, ग्रीन चिल्ली, 1 इंच का हमने अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी हमने बारीक चॉप किया है, 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है और 1/2 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया है। इसके अलावा ग्रेवी के लिए, ये कोफ्ते का मटेरियल है, ग्रेवी के लिए हमें फिलहाल स्पिनच पालक लिया है हमने, ये 1/2 किलो 500 ग्राम है ये, और इसे हमने 10 से 15 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है मीडियम हाई पर, और इसे 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये गल के थोड़ा कम हो जाए, फिर हम इसे पीस लेंगे। जितनी देर में फ्रेंड्स हमारा पालक थोड़ा गल रहा है, इतनी देर में हम कोफ्ता बनाने की शुरुआत करते हैं। इसे अच्छे से जो जो हमें इसमें मिक्स करना है वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर ये ग्राम फ्लोर डालेंगे, पोटैटो इसे अच्छे से हमें मैश कर लेना है। फिर इसके अंदर हम ये सारे मसाले ऐड कर देंगे, ये अनियन, ग्रीन कोरिएंडर, ग्रीन चिल्ली, जिंजर, गरम मसाला एंड सॉल्ट। इन्हें सबको अच्छे से हमें खूब अच्छे से मिक्स कर देना है। हमने सारे मसालों को इसमें मिक्स कर दिया है। अब हमें इसकी मीडियम साइज की बॉल्स बना लेनी है, ना छोटी ना बड़ी, ऐसे थोड़े थोड़े पोर्शन इसके अलग करके उसके बाद हमें इसकी बॉल्स बनानी शुरू करनी है। इस तरह राउंड राउंड करते करते आपके बड़ा अच्छा स्मूथ सा कबाब बन जाएगा। ये देखें, इस तरह से सारे ही हमें कोफ्ते इसी तरह बना लेने हैं। फिर हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। एक ही प्रोसेस से आप सारे कोफ्तों को बनाते चले जाएं। पालक हमारा रेडी हो चुका है, गल चुका है, हमें उसे अब पीस लेना है कोफ्ते रेडी करने के बाद। ये सारे कोफ्ते हमारे बन चुके हैं, तेल को भी हमने गरम करने रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पर। अब हम कोफ्तों को फ्राई करना शुरू करते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है। हल्का फुल्का इन्हें जहाँ से ये दिखाई दे रहे हैं वाइट वाइट, तो इन्हें पलटते रहना है, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बिना डरे आप इन्हें फ्राई करें। ये देखें, कोफ्ते बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए ये 7 से 8 हमने साबुत लाल मिर्च ली हैं, 10 से 12 लहसुन की कलियां ली हैं और 1/4 हमने अनियन ली है, मोटी मोटी काटी हुई है, 1/2 टीस्पून हमें हल्दी पाउडर चाहिए और 1/2 टीस्पून हमें नमक। 1 कटोरी में हमने ये टमाटर लिए हैं, ये 3 टमाटर हैं, इन्हें हमने मोटा मोटा काट लिया है। 1 कटोरी हमें क्रीम चाहिए,
और हमें बटर चाहिए। पालक जो हमने गलाने रखा था उसे हमने अच्छे से पीस लिया है मिक्सी के जार में डालकर। अब ये सारे मसाले ये जो हमारे प्लेट में हैं, हल्दी, नमक, साबुत लाल मिर्च, लहसुन और प्याज और ये टमाटर, इन सबको भी हमें मिक्सी के जार में डालकर पीस लेना है। चलें अब हम करी बनाना शुरू करते हैं। करी बनाने के लिए हमने 50 ग्राम बटर लिया है, इसे हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इसके नीचे लो फ्लेम जला देते हैं और ये जो हमने आपको बताया था सारे मसालों का हमें पेस्ट बना लेना है, ये हमने बना लिया है। अब जब ये बटर हमारा गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हमें इसके अंदर ये पेस्ट ऐड करना है, टमाटर, साबुत लाल मिर्च, लहसुन, प्याज, हल्दी और नमक का। थोड़ा सा हमने इसके अंदर एक चम्मच जीरा ऐड किया था। बटर गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर ये पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट भुनने देंगे। इसके साथ लहसुन का कच्चापन निकलने तक हम इसे भूनेंगे। सारे मसालों का पेस्ट हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसके अंदर ये पिसा हुआ पालक का जो हमारा पेस्ट है इसको ऐड कर देंगे और 2-3 मिनट इसे अच्छे से हम चलाएंगे और फिर इसे 5 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे ताकि ये मसाले सारे अच्छे से पालक के अंदर अपना फ्लेवर दे दें। ग्रेवी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से भुन गई है, अब हमें इसके अंदर ये जो हमने एक कटोरी क्रीम ली थी हमें इसकी हाफ क्रीम इसके अंदर ऐड कर देनी है। और इसे मिक्स करकर 2 मिनट के लिए और हमें इसकी लिड को कवर कर देना है। ये हमारी बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखे फ्रेंड्स, कोफ्ता करी हमारा सोयाबीन कोफ्ता करी बिल्कुल रेडी है पालक की ग्रेवी के साथ। बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है और खाने में भी टेस्टी होगा। आप ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।